नमस्कार दोस्तों, मृदुत चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले वृद्ध सियान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले वृद्ध सियान है उन्हें 10,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन इसके लिए पात्र हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पढ़ सकते हो विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत सियान श्रमिकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज एक नई योजना की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोगों के घर में वृद्ध सियान रहते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 10,000 रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। उन श्रमिक वृद्ध व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होंगे और इस योजना के लाभ लेने के लिए जो न्यूनतम आयु है 59 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन आवेदन करना है, कहां पर आवेदन करना होगा, कौन कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ऐसी काम की वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और इस योजना से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।